साथियों, आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि एक बैंक खाता खोलने के लिए भी गरीब से गारंटी मांगी जाती थी। लोन की बात तो छोड़ दीजिए, देश के एक बड़ी आबादी जो भूमिहीन थी उसे भी ऐसे ही छोड़ दिया गया था। 80% से अधिक किसान जिनके पास 2 एकड़ भी जमीन नहीं थी उन्हें भी अपने नसीब पर छोड़ दिया गया था। करोड़ों नौजवानों के लिए बैंक के दरवाजे बंद थे क्योंकि उनके पास भी गारंटी नहीं थी। जिनके पास किसी को देने के लिए कोई गारंटी नहीं, उनकी गारंटी मोदी ने ले ली। इसी भावना ने मुद्रा योजना को जन्म दिया। इसके तहत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए हमने बिना गारंटी गरीब युवाओं को दिए हैं। इसी भावना ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के अभियान को गति दी, जिससे आज 10 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। इसी भावना ने रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना को जन्म लिया। इसी भावना ने हाथ के कौशल से आजीविका कमाने वालों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को जन्म दिया। इसी भावना से छोटे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि को जन्म दिया। इसके तहत उन्हें करीब 3 लाख करोड़ रुपए मिले। कल्पना कीजिए, अगर नियत न होती, मोदी की गारंटी न होती तो क्या होता? आज जो ये मोदी की गारंटी का इतना सकारात्मक प्रभाव है वो किसी विज्ञापन की मोहताज नहीं है। मोदी उस गरीब की गारंटी बना है जिनकी कोई गारंटी नहीं लेता था। इसलिए देश का हर गरीब आज मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। और मैं फिर कहूंगा, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आगे जाना है। साथियों, हमारे देश में लंबे समय तक राजनीतिक उपेक्षा का बहुत बड़ा शिकार देश का मिडिल क्लास भी रहा। आप में से ज्यादातर मेरी बात से को रिलेट कर पाएंगे। मिडिल क्लास का मतलब है वो वर्ग जो कठिनाइयों से लड़कर आगे तो आ गया, लेकिन उसके आगे सपनों और आकांक्षाओं का एक विशाल संसार होता है।